नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज चैनल। आज सर्वे करने पर पता चला कि सागर मिश्रा पुत्र शिवरेन मिश्रा सराफान शिवरामो कन्नौज के द्वारा कोरोना जैसी आपदा से प्रभावित कम से कम 5,000 से 6,000 तक लोगों को जो दवा कहीं नहीं मिलती है उस दवा को आगरा बरेली नोएडा और बहुत जगह से मंगा कर गरीबों को फ्री में और लोगों को स्टॉक रेट पर दी गई। जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उन्हें ऑक्सीजन दी और बहुत से लोगों को जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 तक था उनको पूरा एक डोज दिया गया जिसमें उनका ऑक्सीजन लेवल एक दिन में 96 तक हो गया। इस महामारी में सागर मिश्रा और उनकी टीम के सदस्य टिंकू मिश्रा, आदित्य दुबे, उपेंद्र दुबे, फगुना फरुखबाद, अमन कठेरिया, सुशील पांडे और बहुत से लोगों को ऑक्सीजन और दवा के बदले जान बांट रहे हैं। सर वेलकम, स्वागत है आपका। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि कोरोना महामारी के चलते वक्त में जो आपने लोगों की मदद की, जब लोग घरों से निकलना नहीं चाहते थे उस वक्त आप उन मरीजों के पास पहुंचे और उनकी सुविधाएं उनको पहुंचाई, तो ये आपको किसको देख के ये आपको जुनून और जोश आया? हमारा एक मित्र था तो उसकी 20 अप्रैल के समय में उसकी डेथ हो गई जी। तो उसे किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाई, उसे ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल पाई और सही से मरीज भर्ती भी नहीं हुआ, बेड भी नहीं मिल पाया। तो उसको मैंने देखा कि क्यों ना मैं इस चीज को देखूं जिससे कोई दूसरा खत्म ना हो। जी, तो फिर मैंने इस काम के भी विचार किया, एक लोगों ने मुझे फोन किया ऑक्सीजन के लिए तो मैंने उनकी जुगाड़ कराई, फोन करके कराया। तो ये घटना होगी 21 अप्रैल की घटना होगी। बस उसी दिन से फिर मैंने काम करना चालू कर दिया, फिर लोगों ने मुझे अन्य ग्रुपों में ऐड कर दिया। तो मेरा काम था कि आदमी को किसी ना किसी प्रकार से उसकी सहायता घर पे पहुंच के कराना, उसे हर चीज उपलब्ध कराना था जी। सर एक सवाल रहेगा आपसे, सर जो ये ऑक्सीजन डोज है इसका क्या है? एक मैनपुरी के थे दिनेशन जी थे, तो वो उनकी उम्र 90-95 साल है और उन्हें होम्योपैथिक में कम से कम 40-45 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक लोगों की मेरे मित्रगण थे, उनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन था, 70 था। तो मैं उनसे बात की, उन्होंने मुझे एक डोज दिया, उससे वो व्यक्ति 24 घंटे में रिपेयर हो गया। तो फिर मैं वो उनसे इस प्रकार से कम 500-600 डोज ला चुका जिसमें मैंने 500-600 लोगों में मुझसे लेने के लिए आदमी हरदोई, इटावा, मैनपुरी, ग्वालियर, पुखराया, झारखंड पुखराया, ये आपका बिल्लौर, ये आसपास के भंडारगावाद के मरीज बहुत आते थे। तो जिसको 70 का ऑक्सीजन लेवल था तो वो पहले दिन में या दूसरे दिन में हर तरह से ऑक्सीजन लेवल उसका बराबर आ जाता था। सर एक सवाल आपसे रहेगा कि कुछ लोगों की इतनी उम्र हो जाती है वो लोगों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, आपकी इतनी कम उम्र में लोगों के बारे में सोचना और कोरोना महामारी जैसी खतरनाक बीमारी के चलते वक्त में आप घर से बाहर निकले, लोगों की मदद की, ये सब कैसे किया आपने? जब मैंने देखा कि बहुत से मैंने लोगों देखा, लोग अपने पैसे के लिए ये उधर भाग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है और हमारे कुछ मित्रगण अपने जो हृदय से कनेक्ट थे उनकी डेथ हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे पास हर चीज की सुविधा है, हर तरह से मैं किसी ना किसी प्रकार से व्यवहार से आदमी सुविधा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एक निर्णय कर दिया था कि मैं अपनी दवा को बेच देता था, जो मेडिकल स्टोरों पे दवा लोगों को मिलती थी और उसमें भी आदमी लूट रहा था, तो मैंने वही दवा अपने, मेरा दवा का काम बहुत समय से स्टार्ट था तो मैंने उसे स्टॉक रेट पे देना चालू कर दिया। जैसे किसी मरीज को दवा 100 रुपए की मिल रही है तो वो दवा मैं 70 रुपए में देता था जी। या तो गरीब होता था तो उसे फ्री में दे देता था और जो खरीदने योग्य होता था तो उसे 70 में वो दवा उपलब्ध करा देता था। सर एक सवाल और रहेगा आपसे, इसमें जो कोरोना महामारी चल रही है तो आप अभी तक लोगों की मदद करेंगे कि उसके बाद में भी लोगों की मदद करेंगे? हमारा क्या हमने ये सोचा है कि जैसे हर आदमी जिंदगी में कुछ ना कुछ दान करता रहता है जी, तो मैंने ये सोच लिया है कि अगर कोई भी इस महामारी के दौरान रह रहा है, बीमार है, ग्रसित है, कोई जिसके पास किसी प्रकार की कमी है वो नहीं कर पा रहा है, तो मैं जीवन भर उसकी सहयोग करने की पूरी कोशिश हर तरह से करूंगा। जी सर, शुभ नाम? सागर मिश्रा। मेरा नाम सागर मिश्रा है, मैं मोहल्ला सराफान छिबरा हूँ, कन्नौज का रहने वाला जी हूं। जी बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। मेरा दिल कहता है कि आप जैसे लोग होंगे ना तो नए भारत का बहुत जल्द निर्माण हो जाएगा, रियल बात है। धन्यवाद, नमस्कार।